अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ किरण बलोच हेयर। होप यू आर डूइंग गुड और बहुत मज़े में होंगे। सो आज की जो रेसिपी है वो है 7 kg चिकन कौरमा रेसिपी। लाइक आप शादियों पे जिस तरह कौरमा बनाते हैं वैसे ही आज मेरी मदर आपको जो है 7 kg चिकन कौरमा रेसिपी बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और फर्स्ट आपने 7 kg चिकन में आपने 3 पाव प्याज और 1/2 किलो टमाटर, उसमें साथ ही हरी मिर्चें 6 से 7 अदद जो है क्रश करके लाइक चॉप करके चौपटी में से या जैसे भी आप करते हो वो डाल देनी है इस स्टेज पे। और लहसुन अदरक की पेस्ट भी आपने ऐड कर देनी है अपने टेस्ट के हिसाब से। और साथ आपने 3 ग्लास पानी डाल देने हैं और 20 मिनट्स के लिए इसको जो है लाइक मीडियम फ्लेम पे इसको रख देना पकने के लिए। उसके बाद जो है स्पाइसेस आपने ऐड करने हैं 20 मिनट्स के बाद, जो कि मैं नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको बताऊंगी। इन 20 मिनट्स में चिकन जो है ऑलमोस्ट जो है वो गल जाएगा। डेट्स फॉर 20 मिनट्स इसको जो है आपने ढक के रख देना और बीच में देखते रहना, चेक करते रहना आपने। ट्वेंटी मिनट्स के बाद आपने इसमें 750 ग्राम घी ऐड कर देना या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो, लाइक 3 पाव घी ऐड कर देना आपने इस स्टेज पे। और साथ आपने स्पाइसेस ऐड कर देने अपने टेस्ट के हिसाब से, सूख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और सूखा धनिया पाउडर और साबुत गरम मसाला जो होता है मिक्स वाला वो ऐड कर देना और अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना। उसके बाद आपने इसमें नेशनल कौरमा मसाला 1 पैकेट ऐड कर देना। नेशनल मसाले बहुत अच्छे होते हैं और इनकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने खानों में जो है एक जायका से बिल्कुल घरेलू जो मसाले होते हैं वो वाली खुशबू आती है इससे। सो मुझे जो है कौरमा मसाला इनका और जितने भी मसाले हैं बहुत पसंद है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा नेशनल के मसाले जितने भी हैं। एक से 2-3 मिनट के बाद जब सारे मसाले मिक्स हो जाएं, एक जान हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, आपने अच्छे से मिक्स कर लेना और 1 से 2 मिनट इनको पकाना है। देन आपने इसमें 1/2 kg जो है दही ऐड कर देना है ताकि साथ ही जो है दही भी मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इस टेप पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी तमाम मसालों की और नेशनल कौरमा मसाला की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। दही ऐड करने के बाद आपने मिक्स करके इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है ढक के, ताकि अच्छे तरीके से तमाम मसाले मिक्स हो जाएं और जो है कौरमा वो अपनी असल हालत में आ जाए। और ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बना है, इसमें कोई ये वो मतलब मसाला जात नहीं डले, सिंपल घरेलू मसालों से ही तैयार किया और जस्ट 1 पैक नेशनल कौरमा मसाला ऐड किया बस। 5-10 मिनट्स के बाद जो कौरमा था वो बिल्कुल रेडी था और बहुत ही अच्छी खुशबूएं आ रही थी, लाइक जैसे कोई देगी सालन होता है और शादियों पे जैसे कौरमे तैयार होते हैं बिल्कुल सेम वही खुशबू आ रही थी और बहुत ही सब चीज़ें परफेक्ट थी। और फिर आपने हरा धनिया, हरी मिर्च और साथ आपने जो है अदरक बारीक काट के उसे गार्निश कर देना और आपने जो है आपका जो शादियों वाला और जो देगी कौरमा है वो रेडी है। और जैसे कि आप देख रहे हो इसकी फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत ही जो है इसमें टेस्ट बहुत अच्छा था, तमाम मसाले बिल्कुल परफेक्ट थे। आप जितने भी मसाले हैं अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। और बाकी जो भी है ये सिंपल और इजी वे था 7 kg कौरमा चिकन कौरमा बनाने के लिए। सो होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर डूइंग इट एंड प्लीज़ टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। टिल देन अल्लाह हाफिज़।